हेलो हाय नेहा, सोनिया बोल रही हूँ। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? एकदम ठीक, बस एक इंतजार में लगी हूँ। कैसा इंतजार? अरे, निकिता और समीर की शादी का इंतजार। सच कहूँ, इतना अच्छा ख्याल ना सिर्फ एक बहन के ही दिमाग में आ सकता है। वैसे तुमने मामा जी से इनके रिश्ते की बात की? नहीं, मेरी उनसे तो कोई बात नहीं हुई। एक्चुअली मैंने इसके बारे में अभी तक सोचा ही नहीं। लेकिन क्यों? मैं सोच रही थी कि पहले आखिर निकिता और समीर एक दूसरे को मिल लें, जान लें, फिर मैं कहीं बात आगे बढ़ाऊं। बात आगे बढ़ेगी तो मैं मम्मी पापा से बात करूंगी। वैसे नेहा, तुम शादी के बाद बहुत समझदार हो गई हो, तो कब शुरुआत करें? किस बात का? अरे, समीर और निकिता को मिलाने की शुरुआत। ऐसा करो, आज रात को ही समीर को डिनर पे इनवाइट कर लो, बस निकिता उससे मिल लेगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इन दोनों को मिलने देना चाहिए। मैं अभी समीर को फोन करके इनवाइट कर लेती हूँ और माची से भी पूछ लेती हूँ कि उसे क्या पसंद है, फिर उसके पसंद का ही खाना बनाऊंगी। थैंक यू सो मच सोनिया, बाय। ओके, बाय। ये समीर की पसंद के खाने क्यों बनाए जा रहे हैं? मैं समीर को खाने पर इनवाइट कर रही, पता नहीं आपको और माजी को समीर और निकिता की रिश्ते पर एतराज क्यों है। देखिए, मैं भी निकिता की बहन हूँ, उसकी भलाई सोचूंगी ना। मुझे तो समीर और निकिता का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, आप रुकिए, मैं आपके लिए टिफिन लाती हूँ। समझ में नहीं आता कि आज तुम्हें मैं पहले गुड मॉर्निंग बोलूं या मुबारकबाद दूं। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रही हैं। गुड मॉर्निंग तो आप रोज बोलती हैं, लेकिन यह मुबारकबाद किस लिए? सुनिए एक उड़ती उड़ती खबर। और यह उड़ती उड़ती खबर क्या कह रही है? ये उड़ती उड़ती खबर कहती है कि मेरे बॉस मिस्टर समीर गुप्ता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। इसे आप खबर कम और अफवाह ज्यादा समझें तो बेहतर होगा। अरे नहीं, अफवाह फैलाना तो जुर्म होता है। मैंने ये खबर एक बहुत रिलायबल सोर्स से सुनी है। सुना है कि आपकी भाभी अपने देवर के लिए अपनी बहन निकिता का रिश्ता लेके आने वाली है। क्या? समझ में नहीं आता कि तुम ये खबर सुन के खुश हो कि हैरान हो। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। तुम्हारी कंफ्यूजन तब दूर होगी जब तुम्हारी भाभी तुम्हें रात को फोन करेंगे डिनर के लिए। मैंने उन्हें तुम्हारा मोबाइल नंबर दिया है, कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं, बहुत समझदारी का काम किया तुमने। हाय सोनिया। हाय। समीर है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है। यू मे गो इन। समीर। ओके भाई, क्या हाल है तेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठिए। आज मेरे ऑफिस का रास्ता कैसे भूल गया आप? कुछ दिन पहले मैंने तुझसे एक बात की थी, आज वही बात दोहराने आया हूँ। कौन सी बात? तेरी शादी की बात। हम लोग चाहते हैं कि तू जल्दी से जल्दी शादी कर ले। हाँ, वैसे नेहा भाभी भी यही चाहती है। समीर, माँ कह रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की ढूंढेंगे हम लोग।
ढूंढने की कोई जरूरत नहीं भाई, जब लड़की अपने घर में ही है, सुंदर है, सुशील है, और सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे बहुत पसंद भी है। कौन? निकिता भाई। समीर, तुम ये भूल रहे हो कि निकिता मेरी पत्नी है। पत्नी वो मेरी होती अगर आप मेरे प्यार के रास्ते में नहीं आए होते। निकिता ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। प्यार करने लगती राजीव भाई अगर पीछे से आपने उसे मुझसे छीन ना लिया होता। इधर मैं जेल में सजा काटने गया और पीछे से आपने उससे मुझे छीन लिया। अच्छा नहीं किया आपने, दगा दिया है मुझे। दगेबाजी और झूठ और फरेबी की बात तुम मत करो, क्योंकि इसके दलदल में तुम फंसे हो, मैं नहीं। नहीं, आप तो शराफत की मूर्ति है, झूठ बोलकर अपनी बीवी से दूसरी बीवी को घर में बिठा रखा है। भगवान भी तुम्हारी दूसरी शादी से खुश नहीं है भाई, इसीलिए उन्होंने नेहा भाभी को वापस जिंदा भेज दिया तुम्हारे घर में। निकिता को छोड़ दो, वो मेरी है। समीर, सोच समझ कर मुझ पर हाथ उठाना राजीव, क्योंकि समीर को यह पसंद नहीं है कि उसके ऊपर कोई हाथ उठाए। शर्म आती मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भाई कहने का हक मैंने तुमसे छीन लिया है। आइंदा से हमारे घर में कभी मत आना, और अगर तुमने निकिता को बुरी नजर से देखा तो देखना तुम। नेहा भाभी का फोन है, तुम बात कर लो ना, उन्हें बता दो कि तुम निकिता से शादी कर चुके हो। बोलो। हेलो। हाँ भाभी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अरे नहीं भाभी, आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मुझे आना तो पड़ेगा ही ना। निकिता से? भाभी, निकिता से शादी करने की बात करके आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं जरूर आऊंगा भाभी जी। राजीव का मुंह देख के ऐसा लगा जैसे कि दोनों भाइयों में बात कम और तकरार ज्यादा हो रही थी। Am I right? हाँ सोनिया, मेरे और मेरे भाई के दिल में निकिता के लिए जो प्यार है वो हमारे बीच में तकरार का मुद्दा बनती रहती है। जानते हो मेरा बड़ा भाई मुझे क्या समझाने आया था कि मैं शादी कर लूं? मेरे लिए लड़की ढूंढने की बात कर रहा था। और तुमने कह दिया होगा कि तुम्हारी पसंद निकिता है। जाहिर है, लेकिन बड़ा मजा आया मुझे उसका दिल दुखाकर। और मुझे तो मजा ये आ रहा है कि जल्द ही राजीव और निकिता का रिश्ता टूटने वाला है। अरे हाँ, इन सब बातों में मैं तुम्हें बताने ही भूल गई, जोरावर का फोन आया था तुम्हारे लिए 2 बार। अच्छा। तुम भारत मिलाप में बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। क्या कह रहा था? मुझे याद दिलाने के लिए कहा था कि उसने जो तुम्हें काम सौंपा है कहीं तुम भूल तो नहीं गए। नहीं भूला, बिल्कुल नहीं भूला जोरावर। समीर अपना काम कभी नहीं भूलता, बातें कम काम ज्यादा, इसी में विश्वास रखता है समीर। तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे आधा घंटा लगेगा, तुम जाकर तब तक शॉपिंग करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं। फूटी कौड़ी तो मैं मांग भी नहीं रहा लांबा, मेरी डिमांड तो पूरे 4 करोड़ की। वैसे तुझे तेरे स्नान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तेरी बीवी अभी तुझे यहाँ पे छोड़ के शॉपिंग करने गई है।
पांच मिनट बाद उसकी गाड़ी में ऐसा धमाका होगा कि जाके बचा सकता है उसे तो बचा ले। हेलो हेलो, लांबा, आपकी कार को जिस बम से उड़ाया गया था वो इतना पावरफुल था कि आपकी पत्नी की लाश के तो बस कमिश्नर साहब, बस अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इसके अंदर बहुत सारे पैसे, उन्हें दे दीजिए, मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए। देखा कमिश्नर साहब, आपने इस बच्चे का दुख, यस मिस लांबा, आप फिक्र मत कीजिए, हमने शहर से बाहर जाने वाले सब रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों पर सब पे अपने आदमी को अलर्ट कर दिया। लेकिन उससे क्या फायदा, क्या फायदा कमिश्नर साहब? क्या मेरी बीवी मुझे वापस मिल जाएगी? क्या इस मासूम बच्चे को उसकी माँ वापस मिल जाएगी? दिन दहाड़े एक शरीफ आदमी की कार को बम से उड़ा दिया जाता है और मेरी बीवी के लाश के चीथड़े चीथड़े हो गए। उस बेचारी को तो क्रियाकर्म भी नसीब नहीं हुआ। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की है कि मैंने आपको बताया, पुलिस वालों को बताया, और अगर मैं उनकी डिमांड पूरी कर देता मुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। हिम्मत रखिए मिस्टर लामा, हिम्मत रखिए। क्या हिम्मत रखूं कमिश्नर साहब, मैं टूट चुका हूं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? भाभी जी, कार बॉम्ब लाश में। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है जुनाब? सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अरे संधु साहब, ये क्या हो क्या रहा है हमारे शहर में? आप जैसे काबिल ऑफिसर्स होने के बावजूद इस तरह की वारदातें हो रही है, क्या क्या चल क्या रहा है? वैसे भी मेरी देवी जैसी भाभी के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है हरीश? वो बेचारी मेरी नादानी और मेरी जिद का शिकार बन गई, और ये सब कुछ किया धरा मेरे किसी दुश्मन का नहीं है बल्कि उन लोगों का है जो लोग मुझे फोन पर धमकी दे रहे थे, मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। क्या हरीश, यू मीन एक्सटॉर्शन? अरे संधू साहब, ये क्या हो क्या रहा है इस शहर में? है शरीफ लोगों को धमकी देके पैसे वसूले जा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये? फोन क्या कर रहा है कमीने? अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो सामने आ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख, मैं तो हिम्मत करके तेरे घर के बाहर आ गया हूं, अब अगर तुझमें हिम्मत है तो तू भी घर के बाहर आ जा, ले ले अपनी बीवी की मौत का बदला, आ जा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सलामा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप पैरों को हटना मत दीजिए। कहाँ है तू? बाबा कहाँ है? बाबा अगर हिम्मत है तो सामने आ, सलामा। मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। रेनु, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, हेलो लांबा, एहसान मानो मेरा, जिंदगी भर के लिए एहसान मानो मेरा। कुछ दिनों पहले तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दिया, क्यों? सोचा कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, तुम्हारी आंखों का तारा है,
उसे बड़े होते देखना तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश होगी, और आज मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी लौटा दी। क्यों? लगा कि दोनों मियां बीवी मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करें, लेकिन अगर किसी दिन तुम मेरे हाथ आ गए लंबा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। ना तो मुझे तेरे ऊपर तरस आएगा और ना कोई एहसान करूंगा, और इस बुरी तरह से मारूंगा कि तेरे बीवी और बच्चा दोनों डर के मारे अपना दम तोड़ देंगे। अपनी बीवी की हालत देखी ना तूने, कितनी डरी हुई है, जबकि मैंने उसे छोड़ दिया। और वैसे भी इंसान किस लिए कमाता है? अपने बीवी बच्चों के लिए ना। देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। गुड, वेरी गुड। मुझे मालूम था कि तुम बहुत समझदार आदमी। तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे के पीछे एक सूटकेस रखा है, पैसा उसी में लेके आना। अपनी कार में आना और कार खुद चला कर आना, जगह और वक्त मैं बताऊंगा। क्या क्या कह रहा था? मैं उसकी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। क्या कह रहे हो लांबा? उस कमीने की बातों में आ रहे हो?